वेलकम टू सरमीज किचन। आज मैं रसमलाई बनाने जा रही हूँ। तो मैं रसमलाई के लिए मैं ब्रेड से बनाऊंगी और मैं दूध ब्रेड से बनाऊंगी, तो इसलिए मैं पहले ब्रेड ली हूँ। व्हाइट ब्रेड आता ही है, व्हाइट ब्रेड स्लाइस ऐसे उस ब्रेड, ये ब्रेड मैं ली थी। देखिए इसको 8 पीस मैं ब्रेड को मिक्सर जार में डाल के पूरे ऐसे पाउडर फॉर्म में कर ली हूँ। और ली उसके लिए मैं ली हूँ ये पाउडर मिल्क ली हूँ 1 कटोरी, 1 चम्मच इलायची पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच घी ली हूँ और 1 कटोरी चीनी ली हूँ, 1 कप दूध ली हूँ। पहले चलिए इसको रसगुल्ला बना लेते हैं इससे ब्रेड से। मैं पहले पैन बैठा ले रही हूँ, गैस फ्लेम ऑन कर दे रही हूँ। हाई फ्लेम में ही मैं गैस को रखी हूँ, करके ये जो मैं 1 कप दूध ली थी उसको मैं पहले ढाल दूंगी, थोड़ा सा उबाल आने दूंगी। देखिए मैंने दूध में उबाल आ गया, तो मैं इसमें 2, 3, 4, 5, 6 चम्मच करीब इसमें मैं चीनी दे रही हूँ। अब मैं चीनी को मिला लूंगी। चीनी घुल गया है, अब मैं ये धीरे धीरे ये जो ब्रेड पाउडर है इसको मैं दे दूंगी, आस्ते आस्ते करके दूंगी और मिलाते जाऊंगी। मैं गैस को लो फ्लेम में रखी हूँ, अब इसको मिला लूंगी, एक डो की तरह बनाऊंगी। अब इसमें मैं ये जो घी ली थी ये घी को भी दे दूंगी, इसको एक अच्छी तरह एक छोटा डो जैसा आटा जैसे बनता है वैसे इस तरीके का मैं इसको अच्छा टाइट डो बना लूंगी। तो इस तरीके का इसको मैश करते जाऊंगी। ये देखिए मेरा डो पूरा रेडी है, कढ़ाई छोड़ दिया है, ये देखिए पूरा मेरा डो रेडी हो गया। अब मैं इसको उतार लूंगी, उतार के थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। ये हो गया, मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। मैं ये डो को इसमें देखिए थोड़ा हल्का ठंडा होने दूंगी। जब तक मेरे डो हो ठंडा हो रहा है तब तक मैं मलाई को बना लेती हूँ। तो मैं मलाई के लिए ये 1 लीटर दूध ले ली हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह उबाल आने दूंगी। उबाल आने के बाद मैं इसको एकदम मलाई कर लूंगी, गाढ़ा कर लूंगी। तो ये दूध गाढ़ा हो रहा है, मलाई हो रहा है, तब तक मैं आइए इसको मैं रसगुल्ला बना लेती हूँ। इस डो में ये इलायची पाउडर दे दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा आटा की तरह सान ले रही हूँ। मैं इसमें ये जो पाउडर मिल्क ली थी इसको भी मैं देते जाऊंगी और सानते जाऊंगी। ये जगह थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं शिफ्ट कर ले रही हूँ। मैं ये पाउडर मिल्क धीरे धीरे देखिए इसको अच्छा एक सॉफ्ट डो बना ले रही हूँ। इसको गूंदते जाएंगे, ये अच्छी तरह इसको गूंदेंगे ऐसे कर करके। ये थोड़ा सा हाथ में लगेगा बट ये जब तक ठंडा और होगा ये छोड़ देगा हाथ। ये थोड़ा थोड़ा हल्का गर्म है इसीलिए हाथ थोड़ा पकड़ ले रहा है, ये एकदम ठंडा हो जाने से एकदम हाथ छोड़ देगा। इस तरीके का मेरे को एक डो की तरह गूंदना है। जी देखिए पूरा एकदम ठंडा हो जाने के बाद में पूरा थाली देखिए छोड़ दिया, मेरा हाथ भी छोड़ दिया है, पूरा एकदम आटा की तरह देखिए पूरा गूंद दे रहे हैं, ये देखिए इस तरीके का। अब मैं इसका छोटा छोटा रसगुल्ला बना लूंगी। तो ये मैं इसको फिर से वही बॉल में शिफ्ट कर ले रही हूँ। तो हाथ में थोड़ा थोड़ा घी लगा के मैं थोड़ा सा ये हाथ में हथेली में थोड़ा सा हल्का हल्का घी लगाऊंगी, लगा के इसको थोड़ा सा लंबा ऐसे ऐसे लंबा लंबा कर ले रही हूँ और करके ये छोटे छोटे गोला के आकार में ऐसे गोल जैसे रसगुल्ला सेप आती है ऐसे ऐसे करके ले लेके ऐसे रसगुल्ला सेप में मैं कर दे रही हूँ। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं मीडियम साइज में गोला बना रही हूँ। ऐसे करके गोला बनाना है, ऐसे करके मैं सारे
डो को बना ले रही हूँ ऐसे गोला स्टेप पे लंबा करके। इस हिसाब से आप अपने शेप ले लीजिए ऐसे ऐसे करके। ये देखिए पूरा दूध घना हो गया, पूरा गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें चीनी दे दूंगी। एक्चुअली मैं वो हंडी में बना रही थी, दूध गर्म कर रही थी, बट मैं इसमें ढाल ली हूँ। नॉन स्टिक में दूध थोड़ा लगता कम है, इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ, चेंज कर दी हूँ थोड़ा सा बर्तन। अब मैं ये चीनी देके इसको थोड़ा सा हल्का गर्म कर लूंगी, क्योंकि मेरा दूध बहुत ठीक हो गया, एकदम पूरा एकदम मलाईदार हो गया, पूरा एकदम मलाई। इससे पूरा मलाई चाहिए, मलाई रस मलाई में थोड़ा सा मलाई गाढ़ा ही होता है। थोड़ा सा हाई फ्लेम में कर दे रही हूँ, मेरा दूध में चीनी मेल्ट हो गया है। ये अब मैं इसमें ये जो ये करके रखी थी बॉल जो बना के रखी थी गोल गोल, ये इसको मैं दे दूंगी। सारे बॉल को मैं धीरे धीरे एक एक करके दूंगी, एक साथ नहीं दूंगी, अलग अलग करके लो फ्लेम एकदम कर दूंगी, क्योंकि नीचे लग जाएगा। एकदम लो फ्लेम मैं कर दी हूँ, देखिए थोड़ा हिला लूंगी। अब मैं इसको ढक के करीब 10 मिनट पकाऊंगी, एकदम लो फ्लेम कर दी हूँ, करके इसको मैं एकदम 10 मिनट पकाऊंगी। ये देखिए मेरा 10 मिनट हो गया है। अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। ये मेरा रसमलाई रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर दे दूंगी। ये देखिए मेरा रसमलाई पूरा रेडी है। आप इसको ठंडा करके फ्रीज में रख दीजिए 1-2 घंटा, उसके बाद में सर्व कीजिए, एकदम ठंडा ठंडा रसमलाई। ये देखिए पूरा एकदम रसमलाई बाजार के जैसा तैयार हो गया। इसमें कोई झमेला नहीं, झंझट नहीं, आप अपने घर पे ही रखे सामान से, सिर्फ थोड़ा सा ब्रेड से आप बना सकते हैं इतना अच्छा रसमलाई, बाजार जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए।